बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज पूरी मालेगांव में शबे बारात मनाई गई है। गवर्नमेंट की गाइडलाइन के हिसाब से सब यहाँ पर शबे बारात का अमल किया गया है। अपने अपने घरों में लोगों ने यहाँ पर दुआ फातिहा पानी पड़ी है। इस शबे बारात के पुरक्लूस के दिन हम प्रशासन की ओर से सभी को बहुत बहुत मुबारकबाद देते हैं। सर, मालेगांव शहर की आवाम एक साल से कुर्बानियाँ दे रही है, पिछले साल भी शबे बारात, ईद, बकरीद, रमज़ान और इस साल फिर शबे बारात, तो आप कैसे देखते हैं शहर की आवाम को? देखिए, अभी कोविड की सिचुएशन ऐसी है कि दिन ब दिन कोविड की बीमारी बढ़ रही है, ट्रेन भी बदल गया है, इसके चलते बहुत ज़्यादा कोऑपरेशन मालेगांव की आवाम की तरफ से मिल रहा है, इसके आगे भी मिलेगा। लेकिन ये जो सन उत्सव हम यहाँ पर मना रहे हैं, उसके लिए उससे ज़्यादा बीमारी का मुकाबला करना जरूरी है। इसलिए अपने अपने जो गाइडलाइन गवर्नमेंट की तरफ से आएंगे, उसके हिसाब से अपने अपने एरिया में, अपने अपने घरों में ही अगले जो त्यौहार है वो मनाया जाए। जैसा कि आज शबे बारात की रात है, जिस तरह मालेगांव में शबे बारात मनाई जाती थी उस तरह नहीं मनाई गई, क्योंकि यहाँ पर लाखों की तादाद में मजमा आया करता था। लेकिन लोगों ने हुकूमत की जो गाइडलाइन जारी की थी, हुकूमत ने, लोगों ने उसका पालन किया। लोग घरों में रहकर इबादत किए और घरों में रहकर मरहूमीन के लिए एहसाने सवाब किया। और जिस तरह लोग कब्रिस्तान आया करते थे, लोगों ने और अपने घर वालों को और जो लोग आते थे उन लोगों को भी कब्रिस्तान आने से रोका। यहाँ पर आप खुद देख सकते हो कि जिस तरह माहौल रहता था, लोग रात भर कब्रिस्तान की ज़्यारत के लिए आया करते थे। लेकिन हुकूमत ने जो गाइडलाइन जारी की थी, लोगों ने उसका पालन किया, लोग घरों में रहकर इबादत किए और जिस तरह बाज़ारों में घूमा करते थे, लोग उससे भी एहतियात किए, घरों में रहकर ही इबादत किए और तमाम मरहूमीन को अपने घरों में रहकर ही इसाले सवाब